मेरी किस्मत देखो, मुझे दो व्यूज अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि ये ये शर्मा आ गई। बाहर निकालो, मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, 4 फुट की है नहीं पूरी, पर याद दिला रखी इसने नानी है। एक बैग उठा के अल्ले अल्ले इल्ले इल्ले किले चल इल्ले 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 नहीं तो आई तो भाई साहब इतना सब भाई मैं मतलब सच में। और ये अरुण कल ये पूरा बैग तुमने वीडियो में देखा होगा, दूसरा लाए थे। और देख इससे देखो, मैंने एक आगे लटका है, एक पीछे, इल्ले आगे ये पीछे। पता क्या आलसी इंसान का ये हाल होता है, इसमें ईंट रखवा रखी है इसने। जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, लगेज मैंने आए जो आए तो कभी इतना बोझ लाए न रब्बा। पार्सल कराया यार भाई, ये भी करवा दिया होता यार, इतना रख रखा था तुमने यहाँ पे, दोनों बैग, एक बैग खाली लाया था, एक बैग पूरा भर के, पर इतना पूरा भरा था, एक आधा भाई मैं एयरपोर्ट पे वेट करवा दूंगा। 9.5 किलो वजन लेके आया था टोटल में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरविंद 7 व्लॉग्स। एंड हम लोग यहाँ बैठे हैं स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पे अभी आने वाली है हमारी ट्रेन, जो कोची हम जाने वाले हैं। यहाँ से हम लोग कोची पहुंचेंगे 7:00 PM, लेकिन वजन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हमें एक ट्रॉली और खरीदनी पड़ेगी। सही है भाई, लगेज ज्यादा नहीं है, बट दिक्कत ये है कि हमें जैसे ट्रैवल करना है तो बैग पैक इनसे उठाया नहीं जा यार। देखो सच मानने में कोई दिक्कत नहीं, मानो सच, कौन सा पीछे से चुटकी भर के, वो तो वही वाली बात है, पीछे तुमने बंदूक लगा रखी, कह रही सच बोल तो सच ही बोल रहा हूँ। अपने वाले में इस चालू इंसान ने क्या किया, अपने वाले में ना सारा जो मतलब फ्लफी फ्लफी सामान होता है, जो कि मैं भी ये पता है कि ये मैंने इसमें ज्यादा सामान डाला था कल रात को, और इसमें सिर्फ, हाय रब्बा, ये देखो सुनो मेरी बात, यहाँ सामने तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी अभी शर्म इसके आगे कूदी है रेलवे ट्रैक पे, उसने आत्महत्या कर लिया है। एक बार हट ना, देखो इतना भारी, कितना भारी है ये, रहन दो यार। इल्ले ये देखो, अभी इल्ले इल्ले हो रहा, देखियो मतलब ये नॉर्मल है, वो ज्यादा इससे भारी है। ओ आवाज नहीं निकली भारी में, बात साइलेंट हो गया था, मतलब ये लिटरली भारी में इनका भा साइलेंट हो गया था, कह रही है सच में यार। घूमी पलट, ये नॉर्मल है, और ये जो है, अरे रे रे, अभी पता जैसे वीडियो बंद होगी ना तो अपने कंधे पकड़ के बैठेगी, ये देखिए इल्ले। मैं अभी अपना फोन चार्ज करने वहां गया था, ना आया, सामान यहाँ ऐसे पड़ा। ये औरत, ये स्त्री, उठ जाओ, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, यही सो जाओ, ठीक है, एक हफ्ते बाद मिलते हैं यहीं पे, बेडशीट छोड़ जाता हूँ एक। तो यार 1 घंटे डिले के बाद हम लोग बैठ गए ट्रेन में कासरगोड से, अब हम लोग जा रहे हैं कोची, और ये ट्रेन चल रही है। यहाँ से हमारी जो एक्चुअल जर्नी है वो स्टार्ट होती है, पीछे वाला था वो, अब ये समझो स्टार्टर होता है ना, स्टार्टर था वो, अब यहाँ से मेन कोर्स स्टार्ट होता है। शक्लें उतर गई हैं क्योंकि टैनिंग होने वाली है ये, नहीं, बहुत ही गर्मी। और ये कह रही है कि ना आने वाले टाइम में, मतलब जो केरला आने वाले, इन द सेंस अगले 4-5 दिन में कन्याकुमारी वगैरह जाएंगे, वहाँ पे 40-42 टेम्परेचर रहेगा। एक महीने में ना भाई, ये ना यहाँ बैठ के गोरी चुट्टी हुई, मेहनत मेहनत करके, योगा वगैरह करके चेहरे पे नूर आया, चेहरे पे नूर ना, केरला के बीचेस में जब जाके पानी आया नूर निकलेगा। तो अब मतलब वो कौन सा महासागर, जो वो बीच बीच होते कहाँ जाके मिलता है, किसी महासागर में, हिंद महासागर वगैरह, तो वही रहते हैं, तो मतलब नूर आपको केरला में पड़ा मिलेगा, कहीं किसी महासागर में जा रहा। ओके गो, सो आवर जर्नी बिगिंस, कैन आई लीव शू, या गो देयर, यहीं पे किसी से नूर पड़ा पाएगा। एंड हमारा खाना आ चुका है, यार मैं इतना थोड़ी देर के लिए सो गया था अभी, तो अभी उठे हैं, पास में चाय बना रही है, स्नैक्स, अच्छा था, बट मुझे मतलब इनका अच्छा लगा, मैंने आपको बोला था ना जैसे मैं एक बार वहां भी गई थी, अच्छा है इनका, मतलब
ये अभी हम लोग कोची से थोड़ी दूर है, मतलब 2 घंटे। और कौन कहता है कि कोची में बीजेपी नहीं है? कौन कहता है कि साउथ साइड में बीजेपी का नामो निशान नहीं है? गौर से देखिए इन कमल को खिलते हुए। मैं आज में बहुत गंदी लग रही हूँ। हैं सच्ची कभी देखो ये भी रेड रेड हो गया और ये भी। मेरी नजरों से देखो, मेरी नजरों से देखो, आपने काटा मच्छर हो। मेरी नजरों से देखो कभी खुद को, तुमसा कोई खूबसूरत देखा नहीं। जिसने तुझे देखा ना हो वो तुझे कल्पना मानता होगा, जिसने तुझे छुआ ना हो वो तुझे हवा मानता होगा। टाइम और ये बहुत ही अच्छा ये सनसेट तो सही लग रहा है यहाँ पे ना। मतलब जो भी लोग जा रहे हैं उनको एक अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, पर मेरी किस्मत देखो मुझे 2 व्यूज अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक ये ये शर्मा गई ये शर्मा गई आँखों की गस्ता। हाँ ट्रेन में बैठे हैं, अंताक्षरी थोड़ी खेलनी है। जब भी उपासना मेरे से पूछती है ना अरुण आज कौन सा दिन है, मेरे को ना पहले ऐसे धक धक हो रहा होता है, धक धक। पूछो क्यों क्योंकि उधर से कोई जवाब ना आ जाए। मैंने ये नहीं पूछा मंडे ट्यूसडे है, मैंने पूछा आज के दिन कुछ स्पेशल है याद है? मैंने कहा हाँ शायद हमारी क्योंकि एंगेजमेंट आने वाली थी तो हम उसका लहंगा और शेरवानी कलेक्ट करने गए थे। ऐसा भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं बोलता, ऐसा धक धक हो रहा होता ना आज कौन सा दिन है। जब भी बोलती आज कौन सा दिन अरुण याद है कुछ? मंडे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड कोची। मतलब थोड़ा सा आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रहा होगा बिकॉज स्टेशन पे हम तो जो कोची तो कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है। सो देखते हैं यहाँ पे कैसा रहता है। अभी हम फटाफट से बाहर निकल के होटल जा रहे हैं। 19 किलोमीटर है सिर्फ 40 मिनट इधर से। कर रही हूँ वेट और अरुण गए हैं टैक्सी बुक, मतलब टैक्सी नहीं कैब, कैब को ढूंढ रहे हैं। कैब बुक हो चुकी है बट वो एक ही मिनट दिखा रहा है, बस उसको सर्च कर रहे हैं। सो वी हैव चेक्ड इन होटल हिल हाइक्स। तो ये हमारा यहाँ का स्टे रहने वाला है। हमने जो मैंने वाटर पार्क वो देखा था कि जहाँ हमको जाना है एग्जैक्ट उसके सामने होटल है, होटल के बिल्कुल सामने वो है अभी। लेकिन हम लोग जाएंगे फोर्ट कोची जो मतलब यहाँ पे बताया लोगों ने कि काफी अच्छा है। तो जैसा कि हम लोग और भी लोगों के व्लॉग देखते हैं और भी लोग करते हैं रूम टूर, तो हम लोग भी करेंगे अपना रूम टूर। तो फटाफट से हम रूम टूर कर देते हैं। ये बहुत अच्छा सा वॉशरूम है, देखते हैं कैसा। ये बहुत अच्छा सा वॉशरूम है, नाइस। ठीक है ये हो गया। एक लाइन आई थी इनके लिए, शी इज एन अचीवमेंट। और ये तो मतलब अच्छा है काफी। एक यहाँ पे मतलब ये 2 लोगों का ये है एंड उसके बाद बालकनी का अच्छा व्यू है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड हम लोग जा रहे हैं फोर्ट कोची। तो ये यहाँ पे बताया गया आइलैंड टाइप में है एंड वहाँ पे नाइट लाइफ फिशिंग एंड ऑल है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, 4 फुट की है नहीं पूरी पर याद दिला रखी इसने नानी है। तो ये जो फेमस जो यहाँ पे है लुल्लू मॉल, ये लुल्लू हाइपर मार्केट और शायद इसके पीछे पूरा लुल्लू मॉल है। ये गए थे यार फोर्ट कोची, वो बंद हो चुका था तो अब हम लोग आए खाना खाने और नॉर्थ इंडियन ढूंढते 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 हम पहुंचे यहाँ पे। देखते हैं सबसे बड़ी दिक्कत एक तो दोनों वेजिटेरियन, ऊपर से नॉर्थ इंडियन फूड ढूंढना। हाँ लग रहा है कुछ अपने टाइप का। अरे तुम यार नॉर्थ इंडियन खाओगे बस तो क्या खाएंगे हम? डोसा, डोसा लें डोसा। ये उपासना के विंग्स हैं ये, ठीक है परी हूँ मैं वाली फील में आज। She's looking so beautiful.
इज लिटरली लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इसको ना सब सुन रहा है, ड्रामा करेंगे। ये होती हैं लड़कियां, इसको ना सब सुन रहा था, ये ड्रामा कर रहे थे। क्या बड़बड़ाई जा रहे हो? क्या? जो खाना ऑर्डर किया तो हमने ऑर्डर किया फ्राइड राइस बोला था ना आपने, तो फ्राइड मिक्स फ्राइड राइस। तो इनके हिसाब से यहाँ पे जो मिक्स फ्राइड राइस था ना, एक्चुअली वो हो गया चिकन, वो हो गया चिकन वाला। अब वो चिकन देख के उपासना बोली नहीं नहीं वी आर वेजिटेरियन। तो जो हम वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनको यार ये दिक्कत होती है। चलो अब लेकिन हम लोग यार पहले गए थे फोर्ट कोची, वो यार बंद था, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो जिनसे एक दो लोगों से पूछा उन्हें लगा कि वो खुला होगा, बट कोविड की वजह से वो अब जल्दी बंद हो जाता है। तो हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। खाना वाना ठीक ठाक सा खाया, अब जाके होटल में रेस्ट करेंगे। सुबह हम लोग जाएंगे वंडरेला, जो यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है। हाँ यार ये एज में यार बड़ी नहीं है एक्चुअली ना, वीडियो में मतलब लगते हैं। जैसे हम दोनों जाते हैं ना कहीं पर भी, हम ट्रेन में भी ट्रेवल कर रहे थे, तो एक कपल था, वो मैरिड था, उनका बेबी था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट इज योर रिलेशन, मैंने कहा हस्बैंड वाइफ, कह रहे टू अर्ली। मैंने कहा नो नो वी बोथ आर 30, वी नॉट टू अर्ली, ऑन टाइम, अपना ऑन टाइम चल रही है ट्रेन। लेकिन यार हम दोनों ना लगते नहीं है, एक तो मैं थोड़ा सा ज्यादा पतला सा हूँ नहीं मतलब, लेकिन लगता हूँ ये भी ना हकीकत बात है, ये ना वीडियो में लगती है ठीक है, अगर इन रियलिटी आप देखोगे तो शी इज़ वेरी प्रिटी, नॉट जस्ट बिकॉज माय वाइफ, लेकिन हाँ मैं जीना चाहता हूँ अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग हो गए हैं तैयार, अब हम लोग जा रहे हैं वंडरेला। तो अम्यूजमेंट पार्क है, उपासना ने सारा पता पता कर रखा है, मेरे को तो ज्यादा पता नहीं है ठीक है। लेकिन कल भी हमने काफी एंजॉय किया, घूम के आए, फिर उसके बाद अब सुबह अभी बज गए 11, वहां पे मतलब 11 बजे एंट्री स्टार्ट होती है, 11 to 6 होता है, फिर हम लोग जा रहे हैं वहां पे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, आप लोग यार वीडियो को लाइक कर देना, इस वाले व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर दें, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो नंबर जो यहाँ पे मेंशन है इस पे आप लोग कर देना व्हाट्सएप। अगर आप डिस्क्रिप्शन, और कोई भी इंसान ऐसा है ना जिसको वेट लूज करना है जेन्युइनली, मतलब 10 दिन में 3 से 4 किलो प्लस इंचेस, वो तो इस नंबर पे ना आंखें बंद करके मैसेज कर ले, और 10 दिन के बाद आप खुद बताओगे वो मिरेकल वहां पे। और किसी भी तरह का नशा जो है यार, ये ना वो क्या मैंने परफ्यूम लगाया था उसका पता नहीं कैसे यहाँ पे वो निशान सा बन गया, तो मैंने पानी से वो किया अभी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कर देना व्हाट्सएप की चैट। किसी भी तरह का नशा है, अगर कोई बीवी अपने हस्बैंड से परेशान है, कोई माता अपने बच्चों से परेशान है, वो छोटे छोटे तुमने जो गीले हाथ लगाए ना इस नशे पे, और ये मेरी टी शर्ट, ओ मेरे को टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। इसी दिन के लिए मैं ना 12-12 टी शर्टें लेके आया था, और ये हमारी आज के लुक है, मैं आज के लुक दिखाता हूँ। तो ठीक है यार, बाय बाय।